इन चीजों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है। इसको बोलते हैं मुगालता। देखिए मुगालते में जीना जो है ना बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल, यानी यहाँ पे जरूरत है कि विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और मंथन करना होगा। अगर हार हो रही है तो उसका ठीकरा सिर्फ एक चीज पे, सबसे पहले तो मुगालते में जीना छोड़ दे, मुगालता जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से निकाल दे। चलिए ठीक है। एके मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सबसे पहले प्राइम न्यूज पर। और एके मिश्रा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा आज चर्चा की, कि ये जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का, इसके जो परिणाम है ये 2022 पर कितना असर डालने वाले? देखिए, एक पॉजिटिव वेव तो बनती है, छोटी छोटी सफलताएं अगर आदमी पाता जाता है तो पॉजिटिविटी एक बनती है, हर स्टेप पे एक पॉजिटिविटी बनती है। फिर भी अगर 2022 के महासमर की बात की जाए तो मैं 100% ये नहीं दे सकता हूँ कि भाई ये जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह या उसके इक्विवेलेंट और छोटे चुनाव होते हैं उसका 100% परिणति वो होगा। लेकिन एक मामले में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये बताता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स पे कौन सी पार्टी कितनी एक्टिव है, कितनी सजग है, रणनीति के रूप में उसकी पकड़ कितनी है। तो इस तथ्य के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एक पार्टी जीतती है तो इसका मतलब है गाँव गाँव में, क्योंकि ये सारे चुनाव जो होते हैं गांवों से सीधे जुड़े होते हैं, जो अंतिम श्रेणी का जो मतदाता होता है वहां से कनेक्टिविटी पे हार और जीत मजबूत होती है। इसीलिए मैंने एक शब्द यूज किया, बिल्डिंग ब्लॉक। तो इससे ये डेफिनेटली प्रूफ होता है कि जो पार्टी जीतती है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिल्डिंग ब्लॉक से उसकी पकड़ जो है, जो एक सीमेंटिंग एजेंट होता है कार्यकर्ता और आप ये समझिए कि वोटरों के बीच में, वो जबरदस्त है। और चूंकि 2022 चुनाव बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये जो जोश की लहर चलेगी जो भी पार्टी जीतेगी, तो ये माना जा सकता है अभी महीने दो महीने के बाद वो 2022 के चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा, तो ये माना जा सकता है कि ये जोश और ये परसेप्शन जो बन रहा है ये कॉन्टिन्यूड होने के 2022 में और ठीक इसी तरीके से चुनावों के रिजल्ट में इसकी परिणति होने के जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए मैं विपक्ष को बोलूंगा कि इन चुनावों को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे बीएसपी ने पहले वॉक ओवर दे दिया, जी हम तो फलाने चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, वो शायद अपनी प्रेस्टीज इश्यू के खिलाफ इसको मानते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे चुनाव होते हैं जब आप जनता के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे चूक गए तो एकाएक चमत्कार की आप जो है वो मत करिए। जैसे अगर आप विधानसभा चुनाव हार गए या लोकसभा में सीटें आपकी ज्यादा नहीं हुई तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? एक सीट मायने है बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर। तो मैं विपक्ष को बोलूंगा कि थोड़ा सीरियस होकर सारे चुनावों को लिया करें, ऐसा नहीं कि हम एक झटके में ही सब कुछ निकाल देंगे। ठीक, मैं मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। ये देखिए, ये ठीक है कि कहीं जहां कई जगह हिंसा की खबरें आई, लेकिन ये भी सच है कि वहां पे कार्रवाई भी हुई, एक्शन भी लिया गया, कहीं पुलिसकर्मियों पे गाज गिरी, कहीं पे दूसरी तरह के एक्शन लिया गया। लेकिन अब ये जो परिणाम आ रहे हैं, जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है, और 2022 की जब हम बात करते हैं कि ये परिणाम वहां पे कितना असर डालेंगे, तब क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, दो चीजें हैं विषय से शायद हमारे साथी प्रवक्ता भटक गए हैं। एक तो चुनाव, उसके राजनीतिक परिणाम, दूसरा है चुनाव में जो हिंसा। अब अगर हम बंगाल की बात उठाएंगे तो वो फिर दूसरी चीज हो जाएंगी, हम इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिबेट चुनावी हिंसा के ऊपर नहीं है। हम केवल चुनावी परिणामों की बात करते हैं। मैंने आपको बोला हमें सपा बसपा इन सब चीजों से किसी से मतलब नहीं है, मैं परिणामों की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे किसी क्लास में, क्लास 1-3 में मंथली टेस्ट होते हैं, वो जो लड़का पहले मंथली टेस्ट में टॉप करता चला जाता है उम्मीद यही रहती है कि वो एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। तो ऐसे ही सारे इलेक्शंस हैं, जो बीच बीच में छोटे छोटे इलेक्शंस होते रहते हैं, आप उसको मंथली टेस्ट मानिए या ईयरली टेस्ट मान लीजिए, एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, पार्टियों को ये चाहिए कि वो उनके लिए माई एसिड टेस्ट होते हैं, जहां पे कि वो ये समझ जाते हैं कि भाई हम जो है जनता से हमारा लगाव बरकरार है, टूट रहा है, कम है, कमजोर है। और जो पार्टी इसको इस तरीके से माई एसिड टेस्ट की तरह लेती है उसके पास करेक्शन करने के लिए टाइम भी होता है। अच्छा, जो पार्टी इसको सीरियसली नहीं लेती है, जब उस वो टेस्ट ही वो नहीं करती है तो करेक्शन क्या करेगी, उसको प्रॉब्लम तो पता चलेगी नहीं। देखिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस चीज को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि करंट में क्या सिचुएशन है, मना स्थिति क्या है जनता की। बोलने को आप कुछ भी बोल दीजिए, बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ, बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मेरी पार्टी जीतेगी, धरातल से कुछ नहीं है। तो ये सब चीजों का कोई मायने नहीं है, आप सही तरीके से परिणामों को लीजिए। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कोई भी पार्टी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमजोर चीज है या कमजोरी आपके अंदर आती जा रही है।
वक्त ये है, वक्त का तकाजा ये है कि अभी भी 5-6 महीने बाकी है। आप उन चीजों को समझिए कि आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उससे सबक लेने की बजाय आप अगर केवल शीशा लेदर करते रहिए, ये भाई जो जीत गई पार्टी वो जीत गई ना, तो आप तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। विपक्ष के लिए ये चुनाव मैं बोलूंगा कि आई ओपनिंग होना चाहिए, स्पेशली अगर विपक्ष इस चीज को क्लेम करती है या करना चाहती है या फ्यूचर में क्लेम करेगी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो विपक्ष को यहाँ पे खुले मन से इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप एक्सेप्ट करो या ना करो, दिल्ली के आंख बंद कर लेने से कुछ थोड़ी होता है। जनता में, मीडिया में, अखबारों में मैसेज किया जाएगा कि भाई फलाने पार्टी ने इतनी सीटें जीत ली, ये हो गया, वो हो गया, इनका परचम लहरा रहा है, तो आप उसको रोक तो नहीं पाओगे। अखबार में बैठ के, मीडिया में बैठ करके तो आप हर जगह अखबार में लिख नहीं दोगे कि हम जीत गए हैं जी, वो तो फर्जी उन्होंने किया। ये अगर फर्जीवाड़ा कहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज गलत हो रही है, लोकतांत्रिक तरीके से आप उसको प्रोटेस्ट करिए, उसको रोकिए। विपक्ष में होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक तरीके से अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है तो मैं खुल के बोलता हूँ कि उसको गलत मत होने दीजिए। अदरवाइज विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल आंख मूंद के बैठे रहे और उसके बाद गलती पे गलती कोई सरकार करती रहे, किसी की भी सरकार हो, और चुनाव में आप आकर के हल्ला मचाएं। ये ऐसे ही है जैसे सब्जी बनती है, कुछ नहीं करना, बाद में तेज पत्ते की तरह आप पड़ जाओगे, और तेज पत्ते को हर आदमी सब्जी खाने वाला सबसे पहले निकाल के बाहर करता है। मेन चुनाव के वक्त अगर आप करके ये आकर के इन सब चीजों से माइंड डाइवर्जन आप करेंगे 2022 में, तो तेज पत्ता वाला हाल होगा। खाने वाला जो मेहमान है, आदमी है, सबसे पहले तेज पत्ते को निकाल के। अभी भी ये है कि आप खुले मन से इन चीजों की एनालिसिस करें। हार जीत चलती रहती है, एक ग्रेटर चुनाव, बड़ा चुनाव आने वाला है। अगर उसमें अगर कोई जीत गया तो पीछे किए हुए सारे जितने भी आपके गलतियां होती हैं, वो सारी चीजों का जो मलाल होता है, आप वहां पे इंकैश कर सकते हैं, उसको खुशी में बदल सकते हैं, उसको जीत में बदल सकते हैं। रेदर देन कि अब वो आरोप लगाते आप चले जाइए फिर इतिहास की बातें, अरे दुर्योधन कौरव ठीक है, जहां बात करनी है आप वहां दुर्योधन कौरव की बात नहीं करेंगे। 500 पॉइंट में बताऊंगा जहां पे दुर्योधन और कृष्ण की आपको बात करनी चाहिए थी, आप लोग वहां पे नहीं करेंगे, तुरंत बदल जाएंगे। और जहां चुनाव की बात हो रही है, आप हार रहे हैं, तो वहां आप इन चीजों को जो है एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है। इसको बोलते हैं मुगालता। देखिए मुगालते में जीना जो है ना बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल, यानी यहाँ पे जरूरत है कि विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और मंथन करना होगा। अगर हार हो रही है तो उसका ठीकरा सिर्फ एक चीज पे, सबसे पहले तो मुगालते में जीना छोड़ दे, मुगालता जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से निकाल दे। चलिए ठीक है, विनय जी के पास हम जाएं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दा आज का यह है कि ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव के परिणाम हैं, उसका असर 2022 विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष की जो तैयारियां हैं, उम्मीदें जो थी, उस हिसाब से परिणाम नहीं आ रहे, और सत्ता पक्ष यहां इन परिणामों से गदगद जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें महामिदा नागर है, चंद्रमोहन शर्मा है, विनय कुमार है और ए.के. मिश्रा है। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जब मिश्रा जी ने अपनी बात को रखा, जब विश्लेषण किया चुनाव का परिणाम का, तो आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे उस पर। देखिए हमारे जो ए.के. सिंह जी हैं, काफी अच्छे दार्शनिक है, और उनकी सोच और उनका जो शब्दों की शैली है बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल उन्होंने बोला है कि मुखालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुखालते में आज बिल्कुल सिंह साहब देश की जनता और सूबे की जनता नहीं रहेगी, क्योंकि एक मुखालता उनको भाजपा ने पहना दिया था, जिस मुखालते के अंदर वो फंस गई थी, और उसी का प्रमाण है कि मुखालते में देश की जनता नहीं रही, इसीलिए बंगाल से बैरंग बैठ दिया, और मुखालते में देश की जनता नहीं रही इसीलिए जब दूसरे चुनाव हुए उसके अंदर इनको हार लेनी पड़ी। अब मुखालता किसके अंदर नहीं था, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन का कंट्रोल था, और आगे जो 8 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश की जनता कोई मुखालते में नहीं रहेगी, क्योंकि उनको मुखालते का भरम धर्म मजहब और राष्ट्रवाद और झूठे राष्ट्रवाद, छदम राष्ट्रवाद, आतंकवाद, इस पे था, वो हट चुका है, क्योंकि वो ओरा हटे हुए कई दिन हो गए। अब ओरा रह गया है कि मेरी जेब खाली है, उससे मुझे पैसे चाहिए, आमदनी चाहिए, मेरे घर के अंदर और बहुत सारी समस्याएं हैं वो चाहिए, मेरा चूल्हा या गैस का सिलेंडर जो कम रेट पे मिलता था वो महंगा हो गया है, जो मेरा डीजल और पेट्रोल जो मुझे खेती के लिए और जाने के लिए बहुत सस्ता मिलता था वो महंगा हो गया। तो मुखालता शब्द आपने बहुत बढ़िया दिया, और मैं आपके माध्यम से आगाह करता हूँ फिर दोबारा सरकार को कि मुखालते की जो नब्ज आपने दबाई थी वो जनता समझ गई है, इसलिए रूटीन पे आ जाइए, तख्ता पलट होगा और जनता के साथ होगा। चंद्रमोहन सर देखिए हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को जो विपक्ष के हैं, मैं बोलूंगा जनता मुगालते में नहीं रहती है साहब, जनता अपना निर्णय देती है, और जनता जो निर्णय देती है वो मुगालते के वक्त में आकर के नहीं होती है।
मैंने मुगालता शब्द पार्टियों के लिए, उनके नेताओं के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, जनता तो मुगालते से बाहर हमेशा रहती है, ये नेता लोग या विपक्ष जो है, 5 साल 7 साल से मैं देख रहा हूँ पता नहीं कौन से मुगालते में है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे। तो सही तरीके से विश्लेषण यहाँ पे भी करिए। देखिए अब हर शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, अब जब आप उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें मैं तो क्या, आप प्रशांत किशोर दुनिया भर के स्ट्रेटजिस्ट बुला लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, सबसे पहले अपने आप को, अपने थॉट को करेक्ट करिए। इस एग्जामिनेशन का टीचर जनता है और उस एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट है वो राजनेता और पार्टी के नेता वर्कर है। हर नेता वर्कर को जो जनता ने दिया उसका रिजल्ट उस अध्यापक ने देना है जो देश की सरकार चुनती है। तो अब मुद्दा यह कि जो प्रश्न देश की जनता ने करा उसका स्टूडेंट ने जवाब नहीं दिया, तो मेरा मुखालते का शब्द मैं साबित कर रहा हूँ इस बात को प्रमाणित की तौर के ऊपर, क्योंकि वो जनता देगी। नहीं, वो आपकी दृष्टि है, जनता की, वो आपकी दृष्टि है, क्योंकि आपके दूसरी जगह है। मैं जन सेवक हूँ, मैं जन सेवक की भावना से इस बात कहता हूँ, क्योंकि आज मुखालते में देश की जनता को भाजपा ने किया था, आज उसके हाथ में है नहीं कुछ। आप भी जब गाड़ी में पेट्रोल डालने जाते हैं तो आप यहाँ ये नहीं, मतलब आप कहते हो कि मैंने 60 रुपए में लिया था, तब क्रूड डॉल का महंगा था लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता था। ये मुखालते का भ्रम अब दुनिया का टूट चुका है, जनता का भी टूट चुका है, स्टेट का भी टूट चुका है। और एग्जामिनेशन का फिर बोल रहा हूँ, टीचर जनता है वही मार्क्स देगी। हम स्टूडेंट हैं, हम जन सेवक है, हम मुखालते में इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आवाज वहां तक जानी चाहिए, उसको मैं आपको बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर एक दो चार पार्टी के लोग ये बात कहें तो उसको आप एक भी मुखालते में नहीं है, सबको अपने जनाधार का पता है किसका जमादार है। तो जनाधार तो भाजपा का भी 2 सीट का था, सिर्फ वो 2 सीट भी हमारी माननीय इंदिरा गांधी ने दी थी, तो वो 2 सीटें भी इंदिरा गांधी जी ने दी थी ना भाजपा। ठीक है, तो वही हो रही है कि महाभारत और इंदिरा गांधी के पीरियड पे निकली है सर वो। हाँ, मौजूदा दौर में आना होगा, प्रेजेंट में जीना होगा और आज के मुद्दों पे बात करनी होगी। विनय कुमार, यहाँ पे मंथन करने की जरूरत है, अगर विपक्ष की उम्मीदों पे उस हिसाब से परिणाम नहीं आ पा रहे तो यहाँ पे जरूरत है कि आखिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ लोगों से आपका जुड़ाव जो है वो कटता जा रहा है, क्यों लोग आखिर आपको नकारने के काम कर रहे हैं अगर किसी जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मंथन तो इस चीज पे करना है बजाय इसका कि ठीक रहा इस चीज पे फोड़ देना कि कभी ईवीएम कभी दुरुपयोग किया जा रहा है, कभी धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, मंथन करने की जरूरत है यहाँ पे। जी 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 जी, मैं 2 बातें कहूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह चुनाव जनता से नहीं है, यह चुनाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव यह जनता के द्वारा नहीं हुआ। जनता ने जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी चुन करके भेजे जिनमें समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें निकाली हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके अपराधी गुंडे पुलिस और ये सब चीजों के आगे हमारी रणनीति अगर कहीं फेल हुई है तो इनके गुंडे ही के जंगल राज के। दूसरी चीज मैं बता दूं, महाभारत में धृतराष्ट्र, तो एक गुंडा एक साधु को अब गुंडा बोलने लगा है, घोर कलयुग। सुन तो लीजिए, राम राम सुन तो लीजिए, वो तो मालूम है गोरखपुर में कितनी FIR उनके ऊपर है, आपको पता है ना। दूसरी चीज किसने किया था ये भी बता दीजिए। देखिए हमें बोल तो लेने जी, आप जी बोलिए है ना। महाभारत में जिस तरीके से धृतराष्ट्र के चाहने या न चाहने से जिस तरह से उनकी सेना ने अधर्म किया था, आज वही कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के धृतराष्ट्र रूपी समय में आज इनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से महिलाओं के साथ, लोगों के साथ, जनता के साथ जिस तरीके से अधर्म कर रही है जनता देख रही है, क्योंकि जनता ने सुनकर के भेजा है। जिस तरह से एक महाभारत में एक महिला का कीर हरण हुआ था, जिस तरीके से महाभारत में महिला का कीर हरण हुआ था, माइंडसेट से बाहर निकलिए आप। माइंडसेट से सब बाहर निकले हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे को उतारिए तब आपको हम बताएं क्या होता है। सर मैं कोई चश्मा नहीं, पहले वो तो उतार के देखिए। आपने कहा ना कोई चश्मा नहीं, योगी आदित्यनाथ महाराज, अरे अगर वो साधु हैं तो वो ये जगह उनकी नहीं है, आप ये क्यों नहीं बताते हैं फिर कहाँ होनी अगर साधु है। साधु का ये पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने का काम
किसी साधु के द्वारा नहीं हो सकता है। इसमें एक विजन चाहिए, इसमें एक विजन चाहिए, जो जो विकास का विकास का एजेंडा चाहिए, विकास का एजेंडा चाहिए। घंटी नहीं है, घंटी नहीं है जो बजाया जाएगा, उसको ये घंटी नहीं है जो बजाया जाएगा। महामेधा कुछ कहना चाह रही है, महामेधा आपकी टिप्पणी इसमें, क्योंकि देखिए सवाल सीधा विपक्ष से जब पूछा जा रहा है तो वो अपनी हार का ठीकरा भी सत्ता पक्ष पे फोड़ रहा है कि ये जो परिणाम आ रहे हैं उसके पीछे जो तस्वीर है वो उन्होंने बताई, चाहे विनय हो या चंद्रमोहन जी। राजेश जी हार का ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, चुनाव जीते हुए हैं। ठीक है महामेधा, आपकी टिप्पणी इस पर। एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, महामेधा नगर इंदिरा गांधी के धार्मिक गुरु कौन थे? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, वो भी साधु थे, उनसे सलाह लेकर के बहुत सारे राजनीतिक निर्णय लेती थी। हमारे भीष्म पितामह समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी कौन से साधु की शरण में, किसको वो अपना गुरु मानते थे, जरा ये भी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसका आशीर्वाद लेने के लिए वो जाते थे। तो साधुओं को राजनीति से चित्त अगर आप भारत से तो कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ राजा जो सबसे बड़े साधु थे वो राजा जी थे। आप जो है इस चुनाव को, इस उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं घंटा बजाने पे मजबूर कर देने वाली बात कर रहे हैं। अरे यहाँ विकास चाहिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, इकाना स्टेडियम दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया है, सुनिए, अरे विकास की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे दिया है, मेट्रो दिया है, आप लोग जाते हैं, और रिवर फ्रंट दिया है, 900 दिया है, ठीक है, ठीक 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 है मिश्रा जी, मैं दोबारा आऊंगा, देखिए डिरेल हो जाएगा मुद्दा। नहीं नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, मेधा आप कुछ टिप्पणी कर रही थी इस पे। महामेधा मैं बोल रही थी कि आज के देश में विपक्ष को बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है, उनको समझना पड़ेगा कि कैसे चुनाव दर चुनाव जनता उनको नकारती जा रही है। और ये पहले जो इनके पास में वर्ड्स हुआ करते थे वो रीजन हुआ करते थे ब्लेम करने के लिए, वो ईवीएम के हुआ करते थे, आज जो है वो अब वो गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये अभूतपूर्व सफलता को देख करके विपक्ष की जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई। अदालत की सफलता नहीं है सर, रुकिए, और किसकी सफलता है, और किसकी सफलता है, कौन सदस्य किसके लाई थी, कौन बीजेपी बना के लेके आई थी, जनता किसके लाई थी, आपको मानना पड़ेगा सर, आपको जानना पड़ेगा इस बात को कि चाहे वो शहरी परिवेश हो चाहे वो ग्रामीण अंचल हो, हर जगह पर हर चप्पे चप्पे हर मंडल हर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता हैं मौजूद, और हमारे पास में योग्य लोगों की कमी नहीं है। इसी कारण से आज हमको विशाल विशाल मिल रही है सर, आपके पास में जब आप सदस्य की बात करते हैं आपके पास में प्रस्तावक थे, और अगर होते आपके पास इतने कैंडिडेट, अगर आपके पास इतने कैंडिडेट थे तो क्यों अखिलेश जी ने 11 जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया था। आपको ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आपको समझना होगा कि आपकी ग्राउंड जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। हम आपको आप डिबेट करने से ज्यादा मैं आपको सुझाव दूंगी, आपकी जमीन आपके पैरों तले से खिसक गई है। वो समय दूर था जब आप गुंडागर्दी करके अराजकता फैला करके लोगों से जबरदस्ती वोट ऐड किया करते थे, वो समय और था जब आप प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी सीट से नीचे बैठा करके खुद उनके मंच पे बैठते थे, उनको उनके ऑफिस से बाहर निकाल देते थे। आज की डेट में वही प्रशासनिक अधिकारी जब अपनी गरिमा में काम कर रहे हैं तो आप लोग कितने ज्यादा विचलित हैं। लेकिन ऐसे में महामेधा एक बड़ा सवाल ये यहाँ पे उठता है कि ठीक है विपक्ष जो कुछ सवाल उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जायज नजर आते हैं जिस तरह की तस्वीरें आई, तो यहाँ पे आपको एक नजीर पेश करनी होगी कि देखिए जो अब तक पहले हुआ वो अब नहीं होगा, अगर कहीं पे हुआ तो फिर एक्शन होगा। हालांकि एक्शन भी हो रहा है और वो एक्शन भी दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद करना होगा, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं उनको आश्वासन देना होगा कि देखिए जहां गलत हुआ वहां पे हमने ये किया।
राजेश जी, हमारी बहन ने पहले ही कह दिया है हमारी जनता की, जैसा पहले होता रहा उससे विपक्ष हम करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष से पहले हमारी जनता की है, जिसने हमको चुनकर लेकर के आया और आज हमको सत्ता पक्ष में बैठाया। और मैं इस बात को भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहती हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं बहुत ज्यादा विचलित थी जब मैंने वो लखीमपुर का इंसिडेंट देखा। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से लखीमपुर के अंदर क्विक और रैपिड एक्शन लिया, जो कि आज तक की किसी सरकार ने नहीं लिया, आज भी चाहे वो आज कहीं पर भी कोई दंगे हुए हैं, किसी ने कोई मारपिटाई करी है, चाहे वो पहले के इंसिडेंट है, वो सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड है और उन सब लोगों को घेर घेर के पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन जी, आप इस चुनाव से पहले हमने देखा कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा था और विपक्ष लगातार उसको लेके सड़क पे भी उतरा और सोशल मीडिया पे भी खूब आवाज उठाई और ये कहा कि जनता अब जवाब देगी। लेकिन उससे पहले अगर हम देख रहे हैं तो चाहे गांव का चुनाव हो या शहर का या ब्लॉक प्रमुख का या जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें कहीं ये नजर नहीं आता कि किसी तरीके की सरकार नाकाम रही है, जैसा परिणाम आ रहे हैं, जैसी तस्वीरें आ रही। देखिए राजेश भाई, ये जो चुनाव है ये मैंने पहले भी आपसे बोला है कि ये जनता का चुनाव नहीं है। जनता का चुनाव भाजपा हारी है, वो बंगाल में भी हारी है, उससे पहले नगर निगम के चुनावों में भी हारी है, उनको बहुमत नहीं मिला है। तो ये चुनाव जो जीत चुकी है उनके द्वारा किया है, ये पुलिस तंत्र प्रशासन के द्वारा मिली भगत से प्रमुख चुन लिया गया, वो चुनाव उसके सामने हो गया। चुनाव अग्नि परीक्षा तो भाजपा की अब होनी है, जो चुनाव आना है वहीं पर हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनकी परीक्षा होनी है और वहीं पर भाजपा की परीक्षा भी होनी है। तो अभी जिस बात को मैं फिर बोलता हूं कि जो मुखालता बनाया गया था उसका रिजल्ट तो आना चाहिए, वो हमारे लिए हो या इनके लिए हो। ये ठीक है कि एक बार की सत्ता भाजपा को मिल चुकी है और उसके उस सत्ता के विरोध के अंदर है, उस सत्ता के विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस सपा या और पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन जिस चीज के भ्रम में जनता ने चुना सूबे को, आज उसका मुखालते का भ्रम सत्ता का तोड़ेगी वो जनता, क्योंकि जिन चीजों को आप कार्रवाई होने के बाद भले कार्रवाई कह दो कांग्रेस पार्टी को निकलने की जरूरत है। इसी डिबेट में बैठेंगे तब आप मेरा जी को दोबारा बुलाना, तब मैं बात करूंगा। ये अब पुराना दौर नहीं है, जिस दौर में आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आज का दौर उत्तर प्रदेश की जनता का दौर होगा, वो उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी, वोट करेगी। मुद्दा आप हिंदुत्व या राम का नहीं है, आज मुद्दा उसकी अपनी घर की प्रणाली का है, क्योंकि उसकी प्रणाली महंगाई की मार ने मार दी है, उसकी सुरक्षा खराब है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। आप जब इकोनॉमी के अंदर आते हो तो आप कोरोना को अपने ओर में ले लेते हो, जी कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिगड़ गई। अरे 5 साल आपको होने जा रहे हैं, 5 साल में आपके इतने बड़े भी ट्रेजेडी हो जाती है, महिला के साथ बदतमीजी होती है, आप कहते हो कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो फिर आपका प्रशासन इन चीजों को रोकने के लिए कायल क्यों नहीं रहा? आपने तो ठोको तो की नीति चलाई, ठोक दो फिर नीति कहां चली गई? उसके बाद गुंडागर्दी कम क्यों नहीं हुई? महिला की सुरक्षा क्यों नहीं ठीक हुई? का अत्याचार जो निम्न जातियों पर अत्याचार हो रहा है वो कम क्यों नहीं हुआ? तो ये सब प्रश्न उठेंगे, इन्हीं प्रश्नों का जवाब अभी इलेक्शनों के अंदर विपक्ष भी उठाएगा और जनता भी उठाएगी, उसी का जवाब आपको देना पड़ेगा। एके मिश्रा, क्या आप चंद्रमोहन जी की इस बात से सहमत हैं कि देखिए ये जो नतीजे हैं वो कोई मायने नहीं रखते और जो जनता 2022 में जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी? नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। खैर, विपक्ष से मैं इन बातों से सहमत जरूर रहता हूँ कि वो हमेशा ही आशान्वित रहते हैं। ठीक है, आशान्वित उनको रहना चाहिए, इस हार में भी, इस विषम परिस्थिति में भी अगर उनको एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन मेरा मानना बहुत क्लियर है, हर दिन हर महीने जो टेस्ट होता है, जो पढ़ाई करता है, अपने को करेक्ट करता रहता है, अपनी कमजोरियों को दूर करता रहता है, साइंटिफिकली उसके परिणाम आने के चांसेस पॉजिटिव आने के ज्यादा अच्छे रहते हैं। मैं फिर इसलिए बोलता हूँ, जो मुगालते शब्द पे ये डिबेट डाइवर्ट हुई और चल रहा है, उस मुगालते शब्द को सही मामलों में विपक्ष को जो है उसका यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप टीवी से कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन घर पे जाके पार्टी के अंदर आप उसको देखिए, जनता के अंदर कोई मुगालता नहीं है, जनता मुगालते में नहीं है साहब। अगर जनता मुगालते में होती, मैटर कोई भी हो, क्यों दे रही है वो जनता बीजेपी को बार बार शासन प्रणाली, उसको क्यों जिता रही है, ये एक दूसरा विषय है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। जनता मुगालते में नहीं है, मुगालते में एक बार होता है, हर बार नहीं होता है। कितने चुनाव हुए, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। जब तक आप अपने राइवल को, अपने दुश्मन की कमजोरी और ताकतों को, स्पेशली ताकतों को समझेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, आप कैसे युद्ध करेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने उसकी ताकत को समझा नहीं और आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि जी वो तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं।
इसीलिए हर चुनाव के बाद इन लोगों ये लोगों का क्या होता है, कोई बहाना आ जाता है, कभी ईवीएम पे फूटेगा, कभी ये होगा, कभी किसी ने साजिश कर दी तो कभी उन्होंने कर दिया, इस तरीके से चलती रहती है। हार्ड कोर अगर रिजल्ट आपको अपने फेवर में करना है तो हार्ड कोर पर डिसीजन लीजिए, हार्ड कोर तरीके से सोचिए, जो गलतियां हो रही है ठीक है पर्दे पे आप मत करिए, अंदर जाके अपने कमरे में अपने शीर्ष नेताओं से इस पे डिस्कस करिए और उनको करेक्ट करिए, ताकि 2022 का चुनाव जो एक बहुत बड़ा मौका है, गोल्ड माइन डिगिंग की अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है राजनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए, तो उस मौके को आप लोग गवाइए मत, अदरवाइज फिर वही मुगालते पे बात जा करके 2022 के बाद जब हम बात करेंगे हार जीत पे तो बात मुगालते पे आ जाएगी। राजेश भाई विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं राजेश भाई मैं आपके मिश्रा जी की बात से अब भी सहमत नहीं हूँ। मिश्रा जी, चाणक्य चंद्रगुप्त बनाता है, चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं बनाता, और सूबे की जनता और देश की जनता चाणक्य है। एक सेकंड विनय जी, आया चंद्रगुप्त पैदा करती है, वही प्रधानमंत्री पैदा करती है, वही मुख्यमंत्री पैदा करती है, बिल्कुल हम मुखालते में नहीं है, हमें पता है कि हमारा जीरो है, लेकिन हम उस मुद्दों को फिर उखाड़ेंगे, सरकार मुखालते में है कि देश की जनता और सूबे की जनता उसके पेट में है, यही चाणक्य उस चंद्रगुप्त को पैदा करेगा जो चंद्रगुप्त नए रूप के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, यही चाणक्य उस चीज के मुद्दों को निकालेगा जो जिस लोगों की अंदेखी आप जैसे राजनीति कर रहे हैं और कुछ पार्टियां कर रही हैं, मुद्दा वही रहेगा, सिस्टम भी वही रहेगा, और मुखालते शब्द में फिर बैठेंगे आपसे बात करने के लिए, मैं बैठूंगा आपको किसी मुखालते शब्द का भ्रम भी तोड़ूंगा आपका बैठ के, ठीक है आप हमारा हमारा ठीक है। विनय कुमार कुछ कह रहे हैं? विनय जी, राइवल पार्टी का जो है भ्रम तोड़ी, मिश्रा जी को मैं एक चीज बता दूं, न जनता मुखालते में है न विपक्ष मुखालते में है, आप किसी गलत फहमी में है, क्योंकि चेयरमैनों के भी शायद अभी होने वाले हैं गठन, तो इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि जनता ने आप इस चीज को स्वीकार कीजिए कि जनता से जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं, जनता के अदालत में समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन इस प्रशासन इस उत्तर प्रदेश के गुंडों के आगे इस प्रशासन ये पुलिस के आगे, जो कि सारा महकमा चोर है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आगे नतमस्तक होकर के कहीं ना कहीं पूरा सरकारी अमला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, समाजवादी पार्टी के फेवर में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी किसी मुकालते में नहीं है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक भी काम नहीं, आपको काम नहीं याद आएगा, आपको काम नहीं मालूम होगा, किसी गलत फहमी में है आप, किसी गलत फहमी में है, बिल्कुल क्या काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, क्या नहीं किया, आज एक्सप्रेस वे चाहे पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे आगरा ले लीजिए, चाहे मेट्रो ले लीजिए, कॉलेज स्टेडियम ले लीजिए, मथुरा का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, आगरा का सौंदर्यीकरण, गोरखपुर का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, महाराष्ट्र की रोटी ले लीजिए, देवरिया की रोटी ले लीजिए, काशी ले लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम नहीं किया हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता दो चीज से परेशान है, एक तो जो जानवर के रूप में गुंडा छोड़ रखा है उस सांड रूपी गुंडे से किसान परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी का एक जो सरकारी अमला है, जो पुलिस तंत्र है, ये गुंडे ही पे उतार नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी चाहे कुछ भी परिणाम हो 2022 की तस्वीर अलग हो गई, वो बिल्कुल अलग होगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अभी से जीत गए हैं विधानसभा, बिल्कुल जीत गए हैं, ये तो तोड़ा नहीं, आप भी आपको भी आपकी भी गलत फहमी हमें लग रहा है, धीरे धीरे मजबूत हो रही है, लग रहा मिल गया चेयरमैन ही मिल जाएगी, खाली करवाएं अगर आप जीत गए, नहीं चेयरमैन ही मिल जाएगी, तोड़ा जाए जैसे एक बार हुआ था, नहीं नहीं आपको भी चेयरमैन ही मिलेगी, हमारे पास यही पद बहुत है कि हम समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ काम कर रहे हैं, यह पद हमारे लिए बहुत बड़ा पद है, आपको भी जोड़ लिया जाएगा महामेधा। अब इन इस परिणाम के बाद ये जो तस्वीर उभर के आ रही है 2022 में भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़े नेता चाहे मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो वो ये कह रहे हैं कि 300 प्लस आएंगे, विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव के परिणाम कुछ भी हो 2022 में हम आएंगे। सर एक शब्द सभी लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो मैं भी एक बार ये इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, मुगालते, तो ये सभी विपक्ष जो है बहुत ही मुगालते में है।
सर एक शब्द सभी लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो मैं भी एक बार ये इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, मुगालते। तो ये सभी विपक्ष जो है बहुत ही मुगालते में है। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो तैयारी है वो सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं, जिले स्तर पर नहीं, मंडल स्तर पर नहीं, नगर स्तर पर नहीं। ठीक है मिश्रा, आप क्या तस्वीर देखते हैं 2022 में, क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं, जनता का रुझान किस तरफ है, विपक्ष जो मैसेज दे रहा है क्या वो जनता तक पहुंच रहा है, क्या जो कमियां रही हैं, जो वायदे पूरे नहीं हुए वो विपक्ष जनता तक पहुंचा पा रहा है, या फिर सरकार का ये मैसेज पहुंच गया कि जो कहा था वो करके दिखाया? देखिए साहब, मैं किसी मुगालते में नहीं रहता हूँ, मैं आपको दो तीन चीज मोटी मोटी चीजें बताता हूँ। हर चुनाव में जो मुद्दा रहता है बेसिक मुद्दे सेम रहते हैं पिछले 70 सालों से, रोटी कपड़ा मकान का। अब सवाल ये है मुद्दे कौन से हावी होंगे। मैं विपक्ष को ये बोलूंगा कि भाई आप मुझे बताइए, आपके पास तो केवल एक ही मुद्दा रहेगा कि सरकार को क्रिटिसाइज करना। पहली चीज, सरकार के पास अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे विकास की बात कर रहे थे हमारे परम मित्र जो है बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के। मैं एक चीज बताता हूँ, सपा बसपा के शासनकाल में शायद कुछ 100-150 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनी थी, अब अभी 600 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बन गई है सर यूपी में, ये जो शासन आया है। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। ठीक है बीजेपी अभी यूज नहीं कर रही है, लेकिन मैं अपने विपक्षी दलों को बोलना चाहता हूँ, जब चुनाव आएगा तो इनके पास ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी विकास के मुद्दे पे। अब राम मंदिर मुद्दे पे तो ये लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो राम के द्रोही अपने आप को बहुत पहले ही साबित कर चुके हैं। बाकी विकास का मुद्दा हो, ठीक है बीजेपी के सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसके ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। जो ओवरऑल अगर आप पाई चार्ट बनाएंगे तो ज्यादातर जो पाई चार्ट मुझे झुकता हुआ नजर आता है, जो मेजर शेयर जो मुझे नजर आता है, वो मुझे ये लगता है कि जो अभी करंट में सरकार है कहीं ना कहीं वो जो है इन लोगों के मुगालते को फिर से दूर कर देगी, जो ये मुगालते में पड़े हुए हैं 2022 के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ डे ड्रीमिंग छोड़िए, जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत मजबूत होते हैं। सत्ता समाजवादी पार्टी के जितने दिग्गज नेता थे आज वो आउट ऑफ ऑर्डर है, मतलब कहीं है ही नहीं जो जो चुनाव को जिताते थे। ऐसे ही कांग्रेस की मैं बात करूं और पार्टियों की बात करूं, आप मुझे ये बताइए आप मैदान में कहीं है भी? आप तो मैदान में उसी तरीके से हैं जैसे कहीं रेण ओण होता है ना, हम लोगों के एक रेण का पौधा होता है जो बंजर, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है जहाँ पेड़ में रुख वहाँ रेण महापुरुष। कोई एकाध नेता इनका कहीं उछल करके कुछ बोल देता है, टीवी पे आ जाता है तो पता चला जी कि पूरे देश में हमारी सरकार बन गई। मैं वही बोल रहा हूँ, इस मुगालते से बाहर निकलिए सर, चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, अभी भी 6-7 महीने का टाइम है आपके पास। चंद्रमोहन जी, जी आ रहा हूँ, देखिए चंद्रमोहन शर्मा कुछ कह रहे हैं, फल की टोकरी के अंदर फल पड़े हो फल होते हैं, लेकिन आदमी फल उसे उठाता है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। तो एके मिश्रा जी को मैं दोष नहीं देता हूँ, और चींटी छोटी होती है लेकिन हाथी के लिए बड़ी घातक होती है। हमारा जनाधार कम होगा, हम कम होंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से हम अपने को साबित भी करेंगे और हाथी के लिए घातक भी साबित होंगे, ये भी साक्षात प्रमाण देंगे। मिश्रा जी आप चिंता मत करिए, और फल आप खाइए टोकरी में से जो आपको अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन उस फल के अंदर गुण उस फल के किसके ज्यादा हैं वो आपको बताने चाहिए, किसके खाने से मधुमेह डायबिटीज हो जाती है और किसके खाने से आयरन बढ़ता है और शक्ति बढ़ती है, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि फल फिर सारे हैं टोकरी के अंदर। मेरे मित्र चंद्रमोहन जी आप जानते हैं मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप किसी पार्टी से जुड़े, मैंने नहीं कहा इस बात को। फल वाला जवाब सुन लीजिए ना, मैं एक जनता हूँ, एक फल की टोकरी रखी है तो जनता कभी भी सड़े हुए फल को हाथ नहीं लगाती है सर। जो फल जनता को अच्छा दिखता है उसको निकाल करके वो अपने थैले में रख के घर लेकर के जाती है। अब मुझे यही देखना है 2022 के चुनाव में कौन सा फल को जनता सड़ा हुआ डिक्लेयर करके बाहर फेंकती है। हम तो चूंकि एनालिस्ट हैं तो हमें अभी से हम सूंघ ले रहे हैं कि कौन से फल में सड़ांध पैदा हो रही है या सर चुकी है। हम तो बता रहे हैं भैया कुछ ट्रीटमेंट ले लो ताकि आप पूरा मत सड़ो, सड़ने से बच जाए। बिल्कुल, यानी मंथन की यहाँ पे जरूरत है और जरूरत